नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर रिव्यू करने वाले हैं झंडू बाम का। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों कि इसे शरीर के किन किन अंगों पर नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए हमें और हमें नुकसान हो सकता है, बच्चों के शरीर पर इसका प्रयोग करें या ना करें, या उसका क्या असर होता है, ये इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसको क्या क्या मिलाकर डालकर इसको बनाया जाता है, पूरी जानकारी की मिलेगी दोस्तों। इसके MRP, इसकी क्वांटिटी के बारे में और कौन कौन से दर्द में हम इसे उपयोग में ला सकते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिव्यूज़ अड्डा में और मैं हूँ सोनू राघव। तो प्रोडक्ट में जितना होगा दम सब बताएंगे हम, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और पूरी और सही जानकारी आपको मिल सके। आइए वीडियो को शुरू कर लें। ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में है झंडू बाम की छोटी वाली शीशी। तो हम पहले जान लेते हैं इसकी MRP के बारे में दोस्तों, कि इसकी MRP है 40 रुपये, 40 रुपये में छोटी डिब्बी, और एक और इससे बड़ी भी आती है जिसका MRP 110 रुपये होता है दोस्तों, लेकिन हम शुरू में इसको यूज़ करने के लिए छोटी खरीदते हैं दोस्तों। तो इसकी MRP 40 रुपये है दोस्तों और इसकी क्वान्टिटी 8 ml है, 8 ml हमको ये 40 रुपये में मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इसको ख़रीदें तो ये देख लीजिए, यहाँ से सील पैक है, तो ये पूरी सील पैक होनी चाहिए दोस्तों और एक्सपायर ना हो, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर इसको ख़रीदें। तो मैं आपको अब जानकारी दे देता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि क्या क्या मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो इसमें मेंथा का सत्व, पुदीने का सत्व, यूकेलिप्टस का ऑयल, अजवाइन का सत्व, ये सब इसको मिलाकर ये बनाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं या कहा जाएगा कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि शरीर के किन अंगों पर, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि किन अंगों पर इसे नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आँख के ऊपर नीचे या आँख के आसपास इसको नहीं लगाना है, नाक के अंदर की तरफ इसको नहीं लगाना है, और नंबर 3 होठों के आसपास इसको बिल्कुल नहीं लगाना है, और कोई ज़ख्म है कहीं पर, ब्लडिंग है या घाव है कोई, उसके ऊपर इसको बिल्कुल ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि ये नुकसानदायक होगी और इससे जो जलन होगी वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, तो इन जगह पर इसे ना लगाएं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों के लिए इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि इससे थोड़ी जलन होती है, मिर्ची जैसी लगती है, तो बच्चों के अगर दर्द है कहीं भी तो इसको यूज़ ना करें, उनके लिए ये सही नहीं रहेगी बच्चों के लिए। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसे हम बड़े लोग जो होते हैं उसको, 18 से ऊपर के एज के जो होते हैं उसको, हम किस किस दर्द में इसे उपयोग में ला सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला तो आप सभी जानते होंगे कि सर दर्द जो होता है, सर दर्द में हम इसको यूज़ करते हैं, और बदन में जैसे कहीं भी जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, वहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे सर्दियों में जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तो भाप लेने के लिए हम जैसे कोई कैप्सूल खरीदते हैं, तो उसकी जगह पर हम इसको गुनगुने पानी में 1 चम्मच या 1/2 चम्मच डाल के हम भाप ले सकते हैं, जिससे हमें जुकाम में, बंद नाक में बहुत राहत मिलती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आज का हमारा ये वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।